प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बैठक में 6 विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। में बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। इस महीने कर्मचारियों को डबल तोहफा दे सकती है सरकार। कैबिनेट बैठक में डीए में बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है। डीए में 4% तक का इजाफा हो सकता है। कर्मचारियों का बकाया राशि का इंतजार भी खत्म होगा। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। वित्त मंत्री ने जारी किया डीए को लेकर बड़ा ऐलान। डीए बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारियों को कितनी बढ़ेगी सैलरी और कितना बढ़ेगा डीए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों की पेंशन और डीए बढ़ोतरी को साथ ही सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान जारी किया, जिसको जानने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आपको बता दें, अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या फिर ईपीएस के पेंशन धारक है, अगर आप भी पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है और डीए को लेकर भी ऐलान किया, जिसके बारे में जानने वाले हैं। आपकी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी यानी कि खुशखबरी आ चुकी है। काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से जो कर्मचारी वर्ग है डीए बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं वो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी, अब उन्हें जल्दी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब जल्दी बड़ी सौगात मिलने का समय नजदीक आ चुका है, जिसका ऐलान किसी भी दिन किया जा सकता है। सरकार किसी भी दिन अब डीए बढ़ोतरी के साथ फिटमेट फैक्टर भी ताजा अपडेट दे सकती हैं। कर्मचारियों के डीए में भी करीबन 4% का इजाफा होना संभावना माना जा रहा है, जो कि किसी बड़े तोहफे से भी कम नहीं है। आपको बता देगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्दी इसको लेकर ऐलान करने वाली है। यानी कि सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो आपको 4% की बढ़ोतरी आसानी से देखने को मिलेगी डीए में। इस महंगाई भत्ते के अलावा फिटमेट फैक्टर में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी हो सकती है, जो किसी बड़े ऐलान से भी कम नहीं होगी। इसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो कि छलांग लगाएगी। दूसरी ओर सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के डीए का जल्दी तगड़ा ऐलान किया जा सकता है। किसी भी बड़े तोहफे से यह आपके लिए कम नहीं होने वाला है। आपके डीए में 4% का इजाफा हो सकता है, इस तरह की संभावना मानी जा रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिसके बाद ये बढ़ा करके यानी कि 42% से 46% हो जाएगा। इससे बेसिक सैलरी में भी आपका यानी कि इजाफा होने वाला है, जबकि वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता का आपको लाभ मिल रहा है। बढ़े हुए डीए का लाभ करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार है जो कर्मचारी वर्ग है उनको मिलने वाला है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है, जिसकी दरें जनवरी और जुलाई से यानी कि प्रभावी मानी जाती है। अगर आप महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है आपका महंगाई भत्ता उसमें, तो इसकी बढ़ी हुई जो दरें 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी, जो कि किसी बड़ी सौगात से आपके कम नहीं होने वाली है। और इसी के साथ ही फिटमेंट फैक्टर पर भी मिलेगी बड़ी आपको गुड न्यूज। लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी तगड़ी सौगात मिल सकती है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.7 गुना से बढ़ा करके 3 गुना करने का फैसला लिया जा सकता है। इसे बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होना संभव माना जा रहा है, जो किसी बड़ी यानी कि खुशखबरी से कम नहीं होगी। जल्दी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही आपका फिटमेट फैक्टर है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि इसको लेकर अक्टूबर के 2 सप्ताह में बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उसके अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, डीए बढ़ोतरी को लेकर, सैलरी लिमिट कितनी बढ़ेगी उसको लेकर, बढ़ोतरी को लेकर फैसला किया जाएगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी और इंतजार कर रहे हैं कि डीए में बढ़ोतरी कब होगी, तो जल्दी आपके डीए में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 4% की अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपकी 4% की इनकी डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह की ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। हजारों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, डीए में 4.6% की वृद्धि, आदेश जारी। नवम्बर से खाते में आएंगे 49,000 तक रुपए। अक्टूबर महीने से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही कर्मचारियों को अक्टूबर महीने से इसका लाभ मिलने लगेगा, उनके वेतन में भी इजाफा देखा जाएगा। महंगाई भत्ते में 4.6% की वृद्धि की गई है। सेल के कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है, उनके वेतन और महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। उनके महंगाई भत्ते को 4.6% से बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 43% तक हो गए हैं।
साथ ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। महंगाई भत्ता अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक के लिए प्रभावी किया गया है। महंगाई भत्ता बढ़कर 43.8%, हजारों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। डीए में 4.6% की वृद्धि, आदेश जारी, नवंबर से खाते में आएंगे 49,000 तक रुपए। कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बड़ी वृद्धि की गई है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते को 4% की दर से बढ़ाया गया है। इसके साथ उनके महंगाई भत्ते 43.8% हो गए हैं। कर्मचारियों के वेतन बढ़कर 49,000 तक हो सकते हैं। अक्टूबर महीने से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही कर्मचारियों को अक्टूबर महीने से इसका लाभ मिलने लगेगा। उनके वेतन में भी इजाफा देखा जाएगा। महंगाई भत्ते में 4.6% की वृद्धि की गई है। सेल के कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है। उनके वेतन और महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। उनके महंगाई भत्ते को 4.6% से बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 43% तक हो गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। महंगाई भत्ता अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक के लिए प्रभावी किया गया है। महंगाई भत्ता बढ़कर 43.8%। दरअसल बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के सभी प्लांट में अधिकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4.6% की वृद्धि की गई है। सेल प्रबंधन द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के तहत अब तक महंगाई भत्ते में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। इसका लाभ 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वेतन बढ़कर 49,000, महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही महंगाई भत्ता बढ़कर 43.8% हो गया है। बता दें, पिछला महंगाई भत्ता जुलाई से सितंबर तक के लिए लागू किया गया था, जिसके साथ ही वर्तमान में महंगाई भत्ता 39.2% था। अब इसमें वृद्धि की गई है। इसका लाभ 50,000 अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, कोलियरी सहित सेल की सभी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी इसके पात्र होंगे। इसके साथ ही जल्द दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को बोनस भी भुगतान किया जा सकता है। बोनस के साथ ही इन कर्मचारियों के खाते में बड़ी राशि देखने को मिलेगी। सेल में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़कर 49,000 तक हो सकते हैं।